जो सुखरूप में वैराग्य बनकर के भजन करना चाहते थे और दूसरों को करना अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कृष्ण उसको उपेक्षा करते थे। इसी श्रीमद् भागवत का नित्य सर्व ने कहा कि एक सुखरूप में वैराग्य प्रभु को भजन का क्या लक्षण है, तो वो श्लोक में बता है जब भैया भजन करेंगे तो रहेंगे कहां पर, भगवान का पहाड़ में गुफा नहीं बनाया है, बोले बगैर तकिया के तो ढूंढी नहीं आई, भीख नहीं आई, बोले भगवान ने हाथ क्यों दिया, ये हाथ को तकिया बना लो, कहते तो पानी कहां से दिए, बोले क्यों भगवान इतना जो नदिया बनाए किसके बनाए, इससे पानी पी लो, बोले बगैर पात्र के तभी पानी कहां से पिएंगे, बोले भगवान ने ही पात्र दिया है, भगवान तो पात्र दिया है, कहते भैया फिर खाएंगे कहां, बोले क्यों भगवान इतना जो पेड़ पौधा बनाए किसके बनाए, कहते सोएंगे कहां, बोले क्यों भगवान इतने बड़े कृषि को क्यों बनाया है, अपना घर तो कैसे तो बनाया है ना, इसलिए कहते भैया फिर कपड़ा की तो जरूरत है, बगैर कपड़े को लगा ही नहीं सकते, बोले क्यों मरने का बाद लोग जो कपड़े को स्मशान में जिसको कोफन है जिस घाटे को कपड़ा तो फेंक देते हैं, बोले उसका सोगे तो सही नहीं होना, इसलिए वहां पर बताए जो एकदम इसको ऊपर भी बिना अपेक्षा किए हुए जो शक्ति करना चाहता है निरपेक्ष रूप में श्री भागवत ने सब लक्षण बताया, कि ये जो लक्षण है कि ये गौर किशनदास समाज महाराज ने भी ये संपूर्ण रूप में ये गुण उनको ऊपर से संपूर्ण प्रतिपादन करना है, एक एक चीज ये भागवत करेंगे अंतर अक्षर में ये चीज इनका अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसको सुख में बताए नाम गौरव ईश्वराय साक्षात वैराग्य पुरते विप्र लंभ रसामुखे पादं भुजायतिना, यदि ये कौन है, बोले नाम गौरव ईश्वराय साक्षात वैराग्य मुरते, यदि ये साक्षात वैराग्य की ये प्रतिमूर्ति है, क्योंकि कहते श्री श्री आरोप पढ़ा जाए जो महाप्रभु स्तुति करते हुए कहते थे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा समेव पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य सैर्य धारी कृपा बुद्धि आश्रम प्रकट है, महाप्रभु कौन है, अरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा समेव जिन्होंने वैराग्य विद्या को शिक्षा देने के लिए जो आए हैं, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैराग्यु भक्ति रसम प्रजत नई माम मन भीष मंदम कृपा बुद्धि जब तमाम प्रपत्ति सनातन स्तम और प्रभु मासयामी, इस वहां पर भी वैराग्यु भक्ति रसम यहाँ पर भी वैराग्यु का भक्त बताया है, और महाप्रभु भक्त जब तो वैराग्य प्रधान यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु का कितने भक्त है ये सब के सब वैराग्य प्रधान है, लेकिन महाप्रभु तो जगत में ये चीज को देने के लिए आए रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यदि वो तो परम करुण होने का नाते वो तो राहत भक्ति को देने के लिए महाप्रभु जगत में आए, ये भक्ति को देने के लिए बड़े प्रेम को देने के लिए आए, लेकिन इनको बताया नम गौर तीसराय साक्षात वैराग्य मूर्त है, क्योंकि साक्षात रूप में ये वैराग्य होती है, इसलिए वैराग्य का एक अर्थ होना है तीन तरह में ये दो तरह का वैराग्य देखने को मिला है, एक तो ऊपर में इसलिए जैसे रघुनाथ दास को उन्होंने जो वैराग्य बताया रघुनाथ ने वैराग्य जब पाषाण में रेखा जैसे पाषाण के ऊपर रेखा अंकन करने पर जैसे वो रेखा एकदम स्पष्ट हो जाता है, इनका जीवन भी संकल्प वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, जो कुछ मिले उठा करके खा ले मिट्टी तर भी खा ले, अगर कभी बढ़िया बढ़िया चीज खाने की इच्छा करे ओ दाल बाटी खाओगे दाल बाट चिरमा खाओगे बड़ा बदमाश हो गया ले माटी खा ले, कभी 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 मेरा शरीर कहाँ कभी कहाँ कि शरीर सूख नहीं जाए, इसलिए कभी कभी आधा घोले का रस को अपना सिर पर रख करके चलते हैं, कम से कम शरीर जहाँ छूटेगी कम से कम राधा घोले का रस तो हमें प्राप्त हो जाएगी, किसी नाव को अगर हम जो घर बनाते हैं वहां पर किसी तरह से अपना जीवन को उसमें बिता देते हैं, जो कुछ मिल जाए किसी तरह से खा करके
जो उसको बताया पीपल लव बैराग का मतलब होता है इज्जत तो 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 असर आ गए इसलिए जो बैराग इज्जत बैराग दो तरह का है एक जुत बैराग और एक फंड बैराग है वहां मटर का बैराग होता है लेकिन इनका धर्म मटर का बैराग नहीं है मटर का बैराग मतलब मटर को देखो कोई घर है पूरा झंडे रखना है खाना क्या फालतू का खाना है पूरा एक बैराग्य भी चीन दिखता लेकिन महाभोगीय बैराग्य महाभोगी बंदर है बड़ा काम ही है इसे फालतू बैराग्य मतलब एक फालतू का नहीं है उसको ऊपर में देखो रहती रहती दिखता है लेकिन उसको अंदर पानी की स्रोत रहती थोड़ी सी मिट्टी को हटाओ उसका अंदर पानी पानी है इसलिए देख अंदर स्मशान बैराग्य स्मशान बैराग्य मतलब जब किसी व्यक्ति को जलाने के लिए ले जाते हैं जो व्यक्ति जलाने के लिए ले जाते हैं जलाते समय जब सीट पर डंडे मार मार कर खोलते हैं गंदे भैया जगह पर सब कुछ सब बेकार है स्त्री पुत्र बनकर झूठा है सबके सब भजन करनी चाहिए लेकिन जब घर में आए जब पीपी मीठी मीठी बोली बोलते बच्चे जब सोतरी सोतरी बोलते पापा पापा मामा मामा सब सारे बेटा की तरह करता है ये बेटा के नहीं है ये तो बेटा के मतलब है ये तो भक्ति परेशान भव विरक्त द्वितीय श्रेणी में दिया है पहले भक्ति भक्ति होने का साथ साथ भगवत चरण का अनुराग है और जितने परिमाण से भगवत चरण में अनुराग हो उतना परिमाण से ये वैराग्य होता है अगर कोई भक्ति भक्ति नहीं किया वैराग्य कभी छूटा है इसलिए जो गौरीश्वर दास भगवत महाराज कहते साक्षात वैराग्य हो जाए कहते साक्षात रूप में वैराग्य का प्रतिबंध था इसलिए कहते पिप्रलंब रसा हो जाए यदि पिप्रलंब रस की यदि बुद्धिमान स्वरूप है कि गौरीश्वर दास भगवत महाराज इसलिए आप लोगों ने सुना है तो था है जो प्रेम वैराग्य आते ये कीर्तन को पागल उन्मत होकर के ये कीर्तन को करते थे दरवाजा बंद करके इतने जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जोर जोर से नाम करते थे जैसे दांत फट करके जैसे खून निकल जाएगा इतने जोर से क्योंकि कर उच्चे स्वर पर हरि नाम गाओ नामे प्रभाव स्मरण करे सेकर निजर मजर संभव इसलिए हरिनाम संकीर्तन को जो बताया जो तीन तरह से जो बताया मानसिक उपास और उच्च स्वर में जब उच्च स्वर कीर्तन के द्वारा कहिए नाम के द्वारा यदि नाम रूप गुण लीला परिकर ये नाम के द्वारा सब कुछ प्रकट होता है इसलिए उन्हें जोर जोर से हरिनाम करते थे यदि गौर से दस द्वार महाराज का महत्व क्या है इनका महत्व है जब फले न परिचित कोई वृक्ष अगर हमारा बगीचा में कोई वृक्ष है अगर कोई कांटा आपका वृक्ष हो वो तो सबसे बड़े बात हो उनको पता है कोई फल है नहीं लेकिन कोई चीकू अमरूद कोई ये सब कोई बढ़िया फल हो पेड़ हो लग पानी हो क्योंकि सब बढ़िया फल हो इससे हर वृक्ष का जो परिचय है जब फल प्रदान मिल जाए कहते श्रीलंक दौर कृष्णदास महाराज महाराज उसमें कौन सा फल आया है हमने कोई साधारण फल नहीं ऐसे एक दिव्य फल को वृक्ष में आया महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ने आशीष और चंद्रादि का सब पर प्रचार नहीं करना इसलिए ये जो भविष्यवाणी को इसी भविष्यवाणी को श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं महाप्रभु यद्य भी अपना अपना भक्तों का घर में जैसी जैसे शक्ति को दिया उसी शक्ति का अनुरूप उन लोगों ने ये धर्म को प्रचार किया है लेकिन अगर ये वाणी को सर्वोत्तम रूप में विचार किया जाए तो श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण रूप में श्री भक्ति सिद्धांत और सर्वोत्तम गोस्वामी प्रभुपाद में ही ये संपूर्ण रूप में लागू होता है इसे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं अभी तक जितने आचार्य के आए थे उनका अवदान भजन वैशिष्ट को एक तरफ में कर दो अगर प्रभुपाद का भजन वैशिष्ट आदर्श को भजन भजन को एक तरफ में किया जाए तो लगेगा इनका पल्ला भारी है इसलिए इनकी दृष्टि में इनका शिष्य में ऐसे एक शिष्य हुए हैं जो कि संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी जो महामंत्र और कृष्ण प्रेम की बार को किसने लाए थे कहते थे लोग भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो नयन महिमा दे जब ये विद्या में ये फल आया है
इसलिए प्रीतम का परिचय फल प्रदान करना चाहता है, इसलिए गीता जो फल है ये कोई साधारण फल नहीं, जिसको द्वारा हम जैसे व्यक्ति कभी हम सोच नहीं सकते हैं, आप लोग भी कभी सोच नहीं सकते, सारा समुद्र पार होकर के कभी भारत भूमि कभी वृंदावन वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन का तले में बैठ करके हम कथा सुने। मैं जब स्वयं अपना चिंता करता हूँ कहाँ जन्म लिया, इसी गांव के कोने में कहा, जो सोच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर कभी गुरु वैष्णव चरण में बैठ करके गिरिराज कलेज में बैठ करके कभी हम ये हरि कथा सुनेंगे, ये केवल संभव है श्री भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का कृपा है। इसलिए ये जो फल है ये फल किसका फल है, जब श्री गौर किशोरदास गोस्वामी बाबा जी महाराज की पेट की अंतिम फल है, इसलिए फल को द्वारा इनका परिचय है कि कितने महापुरुष थे। और ऐसे जो प्रभुपाद जी को साक्षात मणिमंडल देवी ये ऐसे एक महापुरुष हुए हैं जिनको प्रत्यक्ष में लिखना बंद कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि बच्चे को लिखना मंत्र दो, कितना बार उनको प्रत्यक्ष में किया। अगर प्रभुपाद आए बोले महाप्रभु को पूछना भूल गए, इसका समझो कितने जो महापुरुष को लगा रहे महाप्रभु पूछ कर कितना मंत्र देंगे, समझो कितने जो पहुंचे हुए बोले महाप्रभु को पूछना भूल गए। दूसरा बात हो तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रत्याख्यान करने वाली ये व्यक्ति है, समझो इनका कितने महत्व है। क्या इनके जो प्रचार है कभी कभी प्रभुपाद का जो प्रचार कभी कभी लगता है जैसे कुछ अलग है, कोई भी फर्क है। तब महाराज ने कहते हैं चार चीज बताए, पहला चीज है श्री गौर किशोरदास महाराज वैराग्य प्रभु को भजन किया, लेकिन प्रभुपाद हर बार से मंत्री बनाकर भजन किया, कभी लगता है जैसे गुरु से कुछ अलग है, बोल नहीं, गुरु की जो इच्छा है कि एक शुद्ध भक्तों के हृदय में एक शुद्ध भक्तों के हृदय में गुरु की इच्छा प्रकट होता है, इसलिए प्रभुपाद जी नयन भाई मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने गुरु जी का यही इच्छा है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम सदा शिष्य पदार्थी, गुरु जी का यही इच्छा है शुद्ध रूप में भजन करो और संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का जो निर्देश है प्रत्येक घर घर क्या पढ़े क्या बोलो कृष्ण भजे कृष्ण कर कृष्ण सत्या, यही महाप्रभु का आदेश है। इसलिए गुरु जी का शुद्ध हृदय की भावना को अगर कोई पूरी किया है तो बात है उनकी आदेश का कलकत्ता में मतलब आप कलिया रखते हैं, लेकिन पहले उन्होंने कलकत्ता में 5,000 लोग पढ़े, पहले उन्होंने वहां पर स्थापन किया, इसलिए कभी कभी उनकी भजन में और उन्होंने संन्यास लिया, विरोध नहीं था, लेकिन विरोध नहीं समझो गौर किशोर बाबा महाराज का हृदय की भावना ये प्रतिकूल के रूप में चलो प्रभुपाद विदाई गौर ब्रह्मानंद उनके कृपा आशीर्वाद पाने के लिए हम सभी प्रयासी आज से गौरवोदा बाबा जी महाराज हम सभी पर कृपा वर्षण करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। अभी ड्रामा शुरू हो रहा है, उससे पहले श्री परमानंद महाराज जी अनाउंस करते हैं। Hare Krishna, we have a few announcements that the devotees can tune in and listen carefully for just a few minutes, a few short minutes before this drama. And by the way, this drama is a dance performance of Dash Avatar, and it will be performed along with, and those of you who have the headphones, that Srimad Sabinwar Raj is going to translate because they'll be speaking in the Russian language. So you can hear it in English language through your headphone. One point to make about what Srimati Shabarani Didi, she was just talking about these photos that everyone can have on their altar. You can take back with you to the Western countries these beautiful photos, and you can get all 5 of them for just 100 rupees each. But if you want to take more than 10, of these sets, then you can get them for 75 rupees each. And if you see the clarity of them, it's actually quite amazing. This is the best I've ever seen in any photos of these
beautiful paintings which Srila Gurudev has said has come from his very own heart. So please take them back with you. You can give them to the other devotees in your area and so forth. Then we have an announcement. You know that every winter time, Shripad Tirtha Maharaj and other preachers, they go to Bengal, West Bengal, and they do extensive preaching in the villages there. So they're also asking if anyone, any of the brahmacharis or the men would like to come along with them on their preaching tour. And also any of the devotees here who, when you leave India in a few days, many devotees will be going back to your homes. There are certain items that you may have brought with you that you really don't need to take back, such as mosquito nets, blankets, medicine, things like that. So sleeping bags, tents, all these kind of items that you use for your survival in India. This will be very, very handy for those who are doing this Bengal preaching for 3 straight months through the winter time. And this will be very pleasing to Srila Gurudev. So please consider, if you can part with those items, please leave them for the devotees who will be preaching. And that way, you'll also be preaching. Now, the next announcement is that there's one very capable devotee here who conducts different workshops throughout the world to help the devotee communities. His name is Ananta Prabhu. And Ananta Prabhu is a professional in the line of coaching. And he has a workshop that he has put together that he's offering for the devotees after the end of Karti. It will be a 3-day workshop from the 22nd of November to the 24th. And it will be in the hall on the roof of the temple. Now, what will that workshop be about? It will be held for the purpose of being able to have very nice teams working together amongst the devotees. Teamwork. Developing a mode of working together and cooperating together, and all for the purpose of promoting Srila Gurudev's preaching mission and developing bhakti. So there are different tools that he teaches in this workshop, such as how to make all of your exchanges that you have with different devotees win-win situations. Another tool, how to resolve conflicts. You'll gain different techniques how to do this if you have conflicts amongst yourselves. Another tool, how to turn your anger and others' anger into a situation where all that anger just dissipates. You become free from anger. And another tool, how to develop deeper relationships. So this is going to be a very intensive workshop from about 9 in the morning till 6 o'clock at night with a few breaks in between. If any devotees are interested, then they should contact Shamarani Devi and she'll give you all the information you need to know about that. And also there is one credit card that appeared up here, Mr. C.P. Bhagavan, or Miss. I don't know who it is, whether it's Mr. or Miss. But if you lost a MasterCard, we have it. You'll have to show identification to get it back. Now we have an announcement. We're inviting one of our Vaishnava youth to come here and make a very, very important announcement to all of you. And this is regarding Srila Gurudev's transcendental holy tirtha that he himself has established in America, in California, and you've all heard of that place before. It's called New Braja Dham. That's in California. So there's a very wonderful project which the devotees are putting together to establish that place in a very firm foundation. It's a very exciting project. And devotees who are interested can also become involved with that project. And we're going to invite Nityananda Das Prabhu to come here and tell us just for a few short minutes about the opportunity that's available in this project. You there? There. And just one last thing before he begins, I'll just remind him. You know, these two books that we announced the other day that were printed in like 1,000 copies, and they were distributed free of cost. So now they've reprinted
And they've also added a little bit more to each book. And again, they're offering these books. There's about 2,000 copies of each book. Yes, of each book. And they're available to the devotees without any cost whatsoever. So they'll be on the book tables outside here, or where? Yes, the book tables outside. You can take them back to your countries. You can distribute them to different devotees. And one book is called Understanding Sri Guru. This is a fantastic compilation of quotations. Very relevant topic for all of us in these days where we see that our Srila Gurudev is performing this amazing pastime of being ill. But actually, he is a completely transcendental Mahabhagavan, Rasik Vaishnava, completely untouched by the material nature. So how do we understand this? How to become situated in firm faith in Guru? In this book, we'll get all of the necessary information about that. And the other book is called Harmony, a Preview. And this is taken from lectures by Srila Gurudev, in which he's talking about how devotees can associate together with great love and affection for one another in harmony, how they can cooperate for spreading the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and many other quotations. And how to make a very beautiful, big society for promoting his mission throughout the world. And you can have as many as you want of these books for free. So now, with you on the Prabhu, he will tell us about this beautiful, holy, Tirtha, New Project future. Hare Krishna. Happening in New Garage right now. Vrindavan
Buddha from Nagpur, myself, as aspiring puppets of Srila Gurudev, we have stepped forward to take responsibility of the property. We just established a New Raj non-profit organization, a New Raj bank account where transparency and accountability will be top priority in our financial records. We just launched our website, that's newbranch.com. We'll be updating it regularly. Srila Gurudev wants us to continue the tradition that he's established there. So we're inviting everyone to help us fulfill that desire by coming to our New Raj 16th Annual New Raj Festival. So, we also have a group of devotees as our senior devotees as our board of advisors. We're working cohesively with Bhakti Projects, and we do plan to make this entire project fully self-sufficient. The main building on the property is Sri Radha Govinda's temple and Srila Gurudev Bhajan Kutir. We plan to use the rest of the property to host festivals, retreats, seminars, yoga groups, workshops, and summer camps, which will help support the devotees there and maintain the property. So again, Srila Gurudev wants us to keep the tradition. We invite everybody again to come to the New Raj Festival. It will be next year in the middle of June, and we will keep you updated on the website. And one last thing, oh yeah, we have these cards that we made up as all our contact information. A beautiful picture of Srila Gurudev is our last New Raj Festival. On the back is our mission statement, which is to preserve and serve New Raj. And the last thing is that Srila Gurudev also told us that this New Raj would be like a beacon light, and that it would inspire hope in the devotees for generations to come. So if anyone feels, those who feel inspired to help make sure this project is successful, either financially, maybe relocating to the New Raj, any brilliant ideas or good advice, there's so many different ways that anyone can help us with this project. I just take this chance here to thank anyone who has helped support the New Raj in the past. So much appreciated. So thank you very much. Anyone who took initiation today can find their spiritual names posted outside on the wall here. So if you want to know your spiritual name and you don't know how to spell it, etc., look on the wall outside, you'll see there. And also, any donations of these mosquito nets, etc., you should give them to Sri Padmanabha Maharaj in Gurudev's quarters. Frequency for the translation is 106. 20. लगा दिया है अब जो तो अपना अपना नाम तो लिख लीजिएगा
Mubarak, ki prinimaju sve u tom sjeru. Obrađene zimki, razgledaje skrutljama na istiranje na šupu. Obrađi vama se te asmane, već se ja vali. Obrađima, šrame, ubivaje skrutljom šatje. A obrađi rama, побеждаешь рама. Обрати полотенце, ты носишь путь. Обрати путь, проявляешь милосердие ко всем живым существам. Обрати калки, уничтожаешь дикарей, оставшихся на земле, в конце, калии. Вся слава тебе, в образе рыбы, во время вселенского потока, ты спас ветви, который демон Хайгрива спрятал на дно океана. Thank you.
судьба, твои прекрасные, как лепестки утрата ногтями, ты легко, как осуд, разорвал тело демона Хирани по шипу. Ты убиваешь демона Равана
знаешь свою вечную супругу си. Уничтожаешь словных шатриев.
написано, що єдине Христа в ній. От. Которая приносит счастье и благо. Но в эту Кали-югу пришла другая, золотая аватара, Господь Чайтанья, который принес с юга сказку воспевание святых имен. Vaishnavas and Vaishnavis in the audience. Gaur Premanand.